पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। कर्नाटक सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। बुधवार को गौरी लंकेश का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार और दक्षिण पंथियों की आलोचक रही गौरी लंकेश के हत्यारों का अभी भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली ही है। गौरी के परिजनों ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस मामले के आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का भी विकल्प खुला है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले में राज्य के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को गौरी लंकेश का पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में खुद राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मौजूद रहे। बता दें कि बेंगलुरु में मंगलवार रात गौरी लंकेश की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजराजेश्वरी नगर स्थित घर पर उन्हें 7 गोलियां मारी गई थी, जिनमें से 3 गोलियां उनको लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।